देश में आए दिन रसोई गैस, पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ युवा कांग्रेस ने आज हर विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में हमीरपुर जिला मुख्यालय एवं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अपना गुबार निकाला और प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। हमीरपुर के गांधी चौक पर युवा कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और नारेबाजी भी की। युवा कांग्रेस के हमीरपुर ब्लॉक अध्यक्ष अश्विनी कुमार की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में रोजाना 30 से 35 पैसे की वृद्धि हो रही है, जिससे पेट्रोल ने देश के इतिहास में कई जगहों पर पहली बार शतक का आंकड़ा छुआ है और ये सब केंद्र में भाजपा की सरकार से ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि डीजल के दामों में वृद्धि से हर सामान को भाड़े में बढ़ोतरी होगी, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। प्रतिदिन जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इसका असर जो है आम जनता पर पड़ रहा है। अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है और फैसले को वापस नहीं लेती है तो युवा कांग्रेस हमीरपुर और प्रदेश कांग्रेस जो है उग्र से उग्र आंदोलन करने में पीछे नहीं हटती है अगर इन दामों को वापस नहीं लिया जाता है। और इसमें आज जो है हमने युवा कांग्रेस हमीरपुर ने गांधी चौक में प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष मोहित चौधरी ने कहा कि रसोई गैस, पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ने से रसोई का पूरा बजट गड़बड़ा गया है। इससे मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार को जहां गरीब व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को लाभकारी योजनाओं का लाभ देकर राहत प्रदान की जानी चाहिए, वहीं उस पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डालकर शोषण किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रदेश सरकार लोगों को राहत पहुंचाने का काम नहीं करती है तो जनता आने वाले चुनावों में इसका जवाब सरकार को देगी और भाजपा 10 सीटों तक सिमट कर रह जाएगी। और जिस तरह से आज केंद्र ने जो इस भारत देश की हालत कर दी है और इस प्रदेश की हालत कर दी है, ये बड़ी शर्मनाक बात है कि जिस तरह जब बैरल का रेट केंद्र की में जब हमारी सरकार होती थी तब क्या होता था और उसमें 72 की 73 रुपये जब हमारा तेल आता तो सड़कों पर उतर आए। आज बैरल का रेट क्या है और आज आप ये देखिए कि कुछ प्रदेशों में तो 100 से पार पेट्रोल कर गया है और डीजल और पेट्रोल में जहाँ फ़र्क होता था कि डीजल है और पेट्रोल है तो उसमें फ़र्क देखिए कुछ फ़र्क नहीं है। क्योंकि एक तो आप सब जानते हैं कि जब डीजल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन डीजल के ऊपर डिपेंड होती है। और रही बात मैं प्रदेश सरकार की भी कहना चाहूँगा, क्योंकि प्रदेश सरकार का भी इतना बड़ा बुरा हाल है, ना तो इन पर कोई लगाम है। बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, बिजली का उत्पादन यहाँ पर हिमाचल में होता है और आप ये देखिए बसों के किराए बढ़ोतरी हो रही है। आज डिपुओं में भी ये हाल है कि डिपुओं में सिर्फ कड़वा तेल आ रहा है और सिर्फ एक चावल और एक आटा आ रहा है, वो भी हालत वो भी मिलावट वाला है। उसके भी सैंपल आप मीडिया के माध्यम से हमें लगातार बताए, उसके भी सैंपल जो भरे गए हैं और उसके रेट भी बढ़ा देंगे। ये बड़ी शर्म की बात है और ये शर्म की बात प्रदेश सरकार को सोचनी चाहिए। करीबन एक साल सरकार का रह गया है, 2022 में जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो ये लोग सुपड़ा साफ होगा। मैं आपको बता दूं इन लोगों का अगर ये 10 से ऊपर भी विधायक लेके आ जाए ना तो बहुत एक बड़ी एक इनके लिए बात होगी।